हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। आज आपके लिए हम ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसको देखने के बाद में आपका प्रिपरेशन 100% बूस्ट अप होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिनिमम मार्क्स टू गेट सीट इन टॉप मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट के अंदर जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जाने के लिए आपको कितना मार्क्स टारगेट करके पढ़ना चाहिए। तो ये अगर आपको पता लग जाएगा तो आप अपना एक ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसका मार्क्स आपके सामने होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग हमेशा बुलंद रखोगे। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड में वो 11th और 12th दोनों का एक साल में पढ़ेंगे, उनके पास ज्यादा वजन है। और वो स्टूडेंट्स जब पढ़ते टाइम पे अपने जो मोटिवेशन है उसको अपने ड्रीम कॉलेज के साथ में अगर अलाइन करके चलेंगे तो वो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। उनको कंफ्यूजन होता है कि हमें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है और वहां जाने के लिए आपको कितना स्कोर रिक्वायर्ड है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड के साथ में। आपको पहले सबसे पहले मैंने एक ये स्लाइड दी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये नीट 2020 जो हुआ है उसका जो रैंक है कि वो रैंक कितने स्कोर के ऊपर आई थी, तो रैंक वर्सेस स्कोर का मैंने एक लिस्ट दिया है यहाँ पे। तो जब मैं आपको हर कॉलेज का जो क्लोजिंग रैंक जब बताऊंगा तो क्लोजिंग रैंक में स्कोर क्या रहा होगा वो अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो ये आपको स्कोर बोर्ड जो है ये हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए हम आते हैं कॉलेज के अंदर। ये पहली स्लाइड है जिसके अंदर आपको थोड़ा फॉर्मेट समझा देता हूँ, फिर मैं इसको फास्ट रन कर लूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे मैंने कॉलेजेस के नेम दिए हैं और यहाँ स्टेट मेंशन किया है और यहाँ पर हमने क्लोजिंग रैंक दी है कि उस कॉलेज की नीट 2020 के अंदर लास्ट रैंक क्या थी स्टूडेंट की, किस कैटेगरी में जहां पर वो कॉलेज खत्म हो गया था। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब यहाँ पर ओबीसी के कैंडिडेट भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ कॉलेजेस छोड़ दीजिए, 2-3 नॉर्थ ईस्ट के, उनके अलावा ओबीसी और जनरल एक ही बात होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट के लिए रैंक ये रहेगी क्लोजिंग रैंक नीट 2020 की, एससी कैंडिडेट के लिए एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। ओके, अब यहाँ रैंक आप देख ले, स्कोर आप लास्ट वाली स्लाइड से आप प्रेडिक्ट कर लोगे, करेक्ट, और अपना एक स्कोर हो जाएगा प्रोजेक्टेड स्कोर जिसको लेकर के आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ देखिए दिल्ली के अंदर चार कॉलेजेस हैं, मौलाना, वीएमएमसी, यूसीएमएस, आरएमएल, इनकी क्लोजिंग रैंक्स दे रखी है। तो इनके स्कोर देख करके आप अपने आप को देख लीजिए कि मुझे अगर इन कॉलेजेस में जाना है तो इतना स्कोर टारगेट करके पढ़ना ही पड़ेगा, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। ओके, और कोई स्टूडेंट अगर उत्तर प्रदेश से है तो उनके अगर स्टेट में ही रहना चाहता है और ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहता है तो फिर ये ऑल इंडिया कोटा में, यहाँ से जो स्टूडेंट स्टेट का ही कॉलेज लेना चाहता है उनके लिए स्टेट काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप कहीं और स्टेट से हैं और आपके स्टेट से अलावा किसी दूसरे स्टेट में आपके स्टेट से अच्छा कॉलेज है वहां पर ये स्लाइड्स आपको हेल्प करेगी। ओके, अगर वहां जाना है तो फिर आप पता कर लो कितने मार्क्स चाहिए भाई उस स्टेट के बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए। जैसे महाराष्ट्र का कैंडिडेट है केजीएमसी में जाना चाहता है, उसको पता है कि मेरे कॉलेज से अच्छा केजीएमसी कॉलेज है मान लो उसको लगता है, तो फिर केजीएमसी में जाने के लिए कितना चाहिए वो यहां से आप देख सकते हो और अपना ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट करके पढ़ लो। चलिए जी, ये था एक्सप्लेनेशन, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हरियाणा के, राजस्थान के कॉलेजेस, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेजेस उनकी क्लोजिंग रैंक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश इनकी क्लोजिंग रैंक टॉप मेडिकल कॉलेजेस की, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार एंड पांडिचेरी। तो दोस्तों ये थे आपके पास में टॉप मेडिकल कॉलेज इंडिया के सभी स्टेट में जहां पे नीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन देता है। और आई थिंक आप अपना स्कोर अब लेकर के बैठेंगे और अपनी प्रिपरेशन को 100% बूस्टअप करोगे। और जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनको अपना एक ड्रीम कॉलेज दिख गया होगा और अपना स्कोर भी दिख गया होगा और अब आपको पता लग गया कि मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए उसके लिए। अगर ऐसे ही अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके अंदर आप डालिए कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, ये वीडियो कैसा था, इसके बारे में इसमें कोई डाउट है तो वो भी पूछिए आप लोग, और ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाल दीजिए, हम उसको देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।